तो भाई लोग, आज अपन लोग एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में गॉड्स की लेवल से भी ऊपर है, जिसका नाम है द लिविंग ट्राइब्यूनल। तो देखो, मार्वल बहुत पहले से इसके बारे में टीज कर रहा है, जैसे कि 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज में ही हमें इसका एक ईस्टर एग सॉर्ट ऑफ देखने को मिल गया था। This is a relic. Some magic is too powerful to sustain, so we imbue objects with it. This is the staff of the living tribunal. वहीं अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें डायमेंशन ट्रैवलिंग वाले सीन में लिविंग ट्राइब्यूनल का एक कैमियो देखने को मिला है। पर अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि ये है कौन? तो भाई लोग, द लिविंग ट्राइब्यूनल एक्चुअली मल्टीवर्स का गार्जियन है, यानी कि मल्टीवर्स का पूरा हिसाब किताब ये आदमी संभालता है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों। तो पहले शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट अपीयरेंस से। द लिविंग ट्राइब्यूनल डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक स्ट्रेंज टेल्स इशू 157 में अपीयरेंस देता है सबसे पहले, जिसका नाम द सैंड ऑफ डेथ है। तो होता ये कि डॉक्टर स्ट्रेंज ओमार द अनस्पोकेबल नाम के एक विलन को हराने के लिए जॉम नाम के एक विलन को अनलीश कर देते हैं, जहाँ पर ओमार तो उसे देखते ही भाग निकलता है, पर जॉम धीरे धीरे करके अर्थ पर डिस्ट्रक्शन करने लग जाता है। जहाँ जॉम डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरी तरीके से हरा ही चुका होता है, वहीं एकदम अचानक से एक ब्राइट लाइट आती है, जिसके कारण जॉमार जलने लग जाता है। जॉम जल्दी समझ जाता है कि ये कौन है, और डॉक्टर स्ट्रेंज पर अचानक से हमला कर ही रहा होता है कि तभी टाइम एकदम से रुक जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने और कॉमिक्स में पहली बार अपेयर होता है द लिविंग ट्राइब्यूनल, जो कि आते से पहली बात यही कहता है कि जो कुछ भी तुमने किया है उसके लिए तुम्हें और अर्थ को जज किया जाता है और अर्थ का टोटल डिस्ट्रक्शन निश्चित है। तो इसमें लिविंग ट्राइब्यूनल अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसके तीन फेज एक्चुअली में एक यूनिवर्स की तीन मेन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेलिटी, नेसेसिटी और वेंजेंस, जिनका मेन यूनिवर्स पे रिप्रेजेंटेटिव है। इक्वेलिटी मतलब कैलेक्टस, नेसेसिटी मींस इटर्निटी और वेंजेंस यानी कि डेथ। तो द लिविंग ट्राइब्यूनल अपने ट्रायल शुरू करता है और अर्थ को जज करना चालू करता है। तो वो सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज पे इल्जाम लगाता है, इस पूरे इन्फिनाइट प्लेन में एक कॉस्मिक डिजाइन है जिसमें सिर्फ सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम हो सकता है, जो कि तुम हो, और तुमने जॉम जैसे मॉन्स्टर को अनलीश कर एक बहुत ही क्रूशियल बैलेंस को डिस्टर्ब किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको इंटरफेयर करते हुए बोलता है कि सिर्फ अर्थ को और इस डायमेंशन को बचाने के लिए, जिस पे द लिविंग ट्राइब्यूनल उसे चुप कराते हुए बोलता है कि मेरे लिए सही गलत अच्छा बुरा जैसी चीजें मायने नहीं रखती। उसके बाद लिविंग ट्राइब्यूनल दूसरा इंजाम लगाता है कि अर्थ बहुत ज्यादा ही ईवल लोग हो गए हैं। जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मन ही मन सोच रहा होता है कि लिविंग ट्राइब्यूनल कैसे उसके सामने इतने सारे प्रोजेक्शंस कर रहा है और इतने सारे चेहरे उसके सामने एकदम से अपेयर हो गए, वो भी सिर्फ लिविंग ट्राइब्यूनल के बोलने से ही। और लिविंग ट्राइब्यूनल बोलता है कि सिर्फ जॉम को अनलीश करके इतने छोटे टाइम के लिए ही सही, पर उसने उसे अनलीश कर अर्थ पे लोगों की ईवलनेस को बढ़ा दिया है। जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से पहले कहता है कि मैं सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम है, पहले मुझे हराना पड़ेगा उसके बाद में अर्थ को डिस्ट्रॉय करना, जिस पे लिविंग ट्राइब्यूनल हंसता है और उसे बताता है कि उसकी पावर कितनी ज्यादा भयंकर है। पर फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे लड़ने की कोशिश करता है, तो लिविंग ट्राइब्यूनल उसे रैविंग रिंग्स ऑफ रेगडोर में बांध देता है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज की हिम्मत को देखकर द लिविंग ट्राइब्यूनल उसे एक चांस देता है और उसे कहता है कि अगर तुम जॉम को हरा पाए, जो कि बड़े बड़े सॉर्सरर्स अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो मैं अर्थ को छोड़ दूंगा। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज द लिविंग ट्राइब्यूनल से एग्री करता है और एक टाइम लिमिट देता है ये करने के लिए, जिसके लिए वो द ग्लास ऑफ डूम को उल्टा करके रख देता है और उसे कहता है कि जब तक ये रेत खत्म नहीं होती तब तक तुम्हारे पास टाइम है। अब देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ जुगाड़ तोगाड़ लगाकर द लिविंग ट्राइब्यूनल कन्विंस कर लेते हैं और लिविंग ट्राइब्यूनल अर्थ को छोड़कर चला जाता है। बट इसकी इस अपीयरेंस से हमें पता चलता है कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और जहां तक बात की जाए इसकी अपीयरेंस की, तो वो कॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा कम रहती है, क्योंकि ये मल्टीवर्सल लेवल का बीइंग है। मार्वल के बहुत बड़े बड़े कॉस्मिक बीइंग्स आकर इसको जवाब देते हैं और ये सिर्फ जवाब देता है सिर्फ एक को, जो कि द वन अबव ऑल, जो कि पूरी मार्वल का क्रिएशन करने वाला है। बेसिकली वो राइटर्स को रिप्रेजेंट करता है। पर अब आखिर में एक सवाल रह जाता है कि लिविंग ट्राइब्यूनल आखिरकार है कहाँ? देखो, लोकी के सीजन 1 में हमने देखा कि कैंग कैसे पूरी की पूरी मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। उसने टीवीए बनाया हुआ है, अपने अलग अलग वेरिएंट से वॉर किया हुआ है, और टाइम और मल्टीवर्स के आदमी इतना मैस करने के बाद में भी लिविंग ट्राइब्यूनल आखिरकार क्यों नहीं आया जजमेंट देने उसके ऊपर, जिसके लिए मेरे हिसाब से मार्वल को काफी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन तो देनी ही पड़ेगी। बट अगर हम प्रिडिक्शन करें तो मेरे हिसाब से ये सब कनेक्टेड हो सकता है मार्वल की अगली बड़ी अवेंजर्स मूवी से, मतलब अगली की अगली वाली बड़ी मूवी से। तो मार्वल की सीक्रेट वॉर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं उसे कवर नहीं करूंगा और शॉर्ट में सिर्फ लिविंग ट्राइब्यूनल का पार्ट में बता देता हूँ। तो सीक्रेट वॉर्स के टाइम्स पे एक्चुअली ऐसा होता
होता है कि एक्चुअली लिविंग ट्राइबनर को एक बीइंग हरा देता है जो कि फिफ्थ डायमेंशन से आया होता है, जिसका नाम रहता है द बियॉन्डर, जो कि मार्वल के पूरे के पूरे मल्टीवर्स से बाहर एग्जिस्ट करता है। और द लिविंग ट्राइबनर को हराने के लिए 3 बियॉन्डर्स को एक साथ आना पड़ा था। और मार्वल के लिए एक्सक्यूज कोई नया तो नहीं होगा और बहुत ही अच्छा फिट भी होता है, क्योंकि बहुत जल्दी फेज 6 में अनाउंस हुई अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आने वाली है, तो उसका सेटअप करने के लिए इस चीज को एस्टैब्लिश किया जा सकता है कि कैंग ने उस टाइम में ये सब चीजें की जिस टाइम पे लिविंग ट्राइबनर घायल था, क्योंकि लिविंग ट्राइबनर मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए कैंग द कंकरर ये सब चीजें कर पा रहा था। और क्योंकि सीक्रेट वॉर्स अपकमिंग अवेंजर्स मूवी होने वाली है, तो ये सेटअप अच्छी तरीके से जम भी जाएगा। बट इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी ये भी निकल के आती है कि द लिविंग ट्राइबनल डोंट गिव अ एफ, मतलब कि द लिविंग ट्राइबनल को फर्क ही नहीं पड़ता कि मल्टीवर्स में एक्चुअली क्या हो रहा है। जैसे कि हमने इसका फर्स्ट अपीयरेंस में देखा कि इसे सिर्फ मतलब है कि जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन मल्टीवर्स में हो रहा है वो कंटिन्यू करता जाए और लिविंग और बर्थ की साइकिल चलती रहे। और बेसिकली देखा जाए तो टीवी और कैंग द कॉन्करर वही चीज कर रहे थे, बट एक कंटेंट मैनर में। वहीं जब चीजें हाथ से ज्यादा निकल जाती है तभी लिविंग ट्राइबनल आता है, और कैंग द कॉन्करर ने कोई बड़े इवेंट्स एक्चुअली होने ही नहीं दिए, इसके कारण द लिविंग ट्राइबनल ने उसे इंटरप्ट नहीं किया। वहीं अगर अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में कैंग अपना सारा कंट्रोल छोड़ देता है और मल्टीवर्स अपने हिसाब से ग्रो करना चालू कर देता है, तो ऐसे बहुत हाई चांसेस है कि जैसे कि हमें इसकी फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिली थी वैसा कोई इवेंट हमें बहुत जल्दी देखने को मिले। पर ये बहुत आगे की बात है, क्योंकि हो सकता है ये फेज 6 के बाद हो और डॉक्टर स्ट्रेंज की शायद 3rd मूवी में ऐसा हमें देखने को मिले। बट ये मेरा ओपिनियन, मैं जान चाहूंगा तुम्हारा क्या ओपिनियन। लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। मैं मिलूंगा तो अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय वीरस्वामी साइनिंग ऑफ।